हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक कप सूजी और आधा कप दूध है तो चलिए मेरे साथ किचन में और बनाते हैं आज हम रवा लड्डू। बिल्कुल दानेदार सूजी के ये लड्डू बहुत टेस्टी हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाले हमारे ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज हमारे ये लड्डू बनेंगे बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम समय में। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। सूजी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी ली है जो 200 ग्राम के बराबर है। सूजी आपके पास मोटी हो, पतली हो, जो भी हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3/4 कप दूध लिया है, यानी कि एक कप दूध में थोड़ा सा कम ही मैंने दूध लिया है एक कप में। और बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। दूध ना ज़्यादा गर्म लीजिए ना ज़्यादा ठंडा लीजिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होना चाहिए हमारा दूध। और इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए ऐड करेंगे। तो दूध हमारा थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपकी सूजी मोटी है तो सूजी के अकॉर्डिंगली हमारा दूध लगता है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा इसमें दूध डाल दिया है और ये देखिए एकदम ये चिपचिपा हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। तो इन लड्डुओं में मैं मावा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसके बदले मैंने यहाँ पे ली है ये जो मलाई आती है ना हमारे दूध पे गाढ़ी गाढ़ी, तो बस मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें मलाई डाल ली है। बिल्कुल मावे वाला इसमें टेस्ट आने वाला है। आज हम ये लड्डू बनाएंगे बिना मावा, बिना चाशनी और बिना मिल्क मेड के। और बस इस तरह से हम अपने मिक्सर को तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैचुला की मदद से ये सारा आसपास से स्क्रैच कर लेंगे और इसको इकट्ठा करके हम ढक के छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने स्पैचुला लिया और इसको मैंने मिक्सर को रख दिया है और अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट पे है तब तक हम यहाँ पे इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे पिस्ता लिया है, किशमिश ली है, काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं। तो इनको मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा इनको पीसेस में काट लूँगी। जैसे किशमिश भी हमारी बड़ी है तो इसको भी हम 1 से 2 इसमें काट लेंगे और इसी तरह हम काजू को, बादाम को भी काट लेंगे। पिस्ता मैंने पहले ही बारीक काट लिया है, बिल्कुल कतरन कर ली है उसकी। और ये हम सारा जो ड्राई फ्रूट है उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ना डाल के मैं इसको थोड़ा सा देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लेंगे, यानी मैंने 2 चम्मच यहाँ पे घी लिया है और इसको हम लो फ्लेम पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बादाम और काजू। किशमिश और पिस्ता को हम गैस बंद करने पर ही डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम काजू और बादाम को भी ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो बस इसका थोड़ा सा हमें कलर चेंज करना है और तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं, गैस को बंद कर दिया है और मैंने इसमें किशमिश और पिस्ता डाल दिया है। और बस यहाँ पे हमारे ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरह से आप जब ड्राई फ्रूट्स लड्डू में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा हम हाथों में घी लगाएंगे और ये देखिए मिक्सर को देखेंगे तो कितना बढ़िया आटे की तरह डोग बन चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा ये जो सूजी है वो फूल चुकी है। अगर आपका इनकेस दूध ज़्यादा गिर जाता है बैटर में तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर दीजिए और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल आपका जो मिक्सचर है वो ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ हम चकला लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम घी लगा के एक एक लोई को हल्के हल्के बेलन से इस तरह से एक रोटी वाली शेप दे देंगे। ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, इस तरह से हम बेल लेंगे। अगर आपसे ये ठीक से नहीं बेल रही है तो आप इसको थोड़ा प्लास्टिक की शीट पे बिछा कर भी बेल सकते हैं। तवा गरम कर लेंगे और हम थोड़ा सा इसमें घी लगाएंगे और जो सूजी की हमने रोटी बनाई है वो इस तरह से हम डाल देंगे और जब ये एक साइड से सिक जाए तब हम इसको पलट लेंगे। ये बहुत ही आराम से अपने आप तवा छोड़ देता है जब ये सिक जाती है एक तरफ से। तो बस हल्का सा हम क्या करेंगे, फोक लेंगे और इस पर इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर तक आँच चली जाए और ये बहुत ही बढ़िया से सिक जाए। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से आप फोक को इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए और इस तरफ भी हम घी लगाएंगे और ये देखिए ये सिक गया। इस तरह से जब हम
इसको सेकते हैं ना तो कोई इसमें चिपचिपाहट नहीं होती है, ना ही ये तवे पर चिपकता है। बहुत ही आराम से ये बनके तैयार हो जाता है। जिस तरह से मेरा बन रहा है ना, तो ये लीजिए हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए इसी तरह से हम दूसरा भी बेल लेंगे और उसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये वाले जो लड्डू हैं बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए तीसरा भी मेरा पराठा तैयार हो चुका है और कुल मिला के मेरे यहाँ पर 4 पराठे बनके तैयार हुए हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पराठे हैं इनको अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। बहुत ही ज़्यादा ये जब ठंडे हो जाएंगे ना तब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो आप इनको जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तब यहाँ पे हम इनको इस तरह से तोड़ लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार और इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पे बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ये सूजी की रोटी है वो पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको मिक्सी जार में पीसने वाले हैं। अगर आप रोटी गर्म डालेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपा और पेस्ट सा बन जाएगा। अगर रोटी ठंडी होगी तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं हमारा, और इसको हम एक कंटेनर में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी ये पीस ली है, एक बैच में ये और पीसेगा। तो ये लीजिए दूसरी वाला भी हमारे आ चुकी है रोटी, और वो भी हम इसमें इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल हम इसे दरदरा पीसेंगे। तो ये लीजिए ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब हम इसको लिड लगा के इसको भी हम ठीक इसी तरह से पीस लेंगे। तो ये लीजिए ये पीस चुका है, इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको पहले ही भून लेते ना तो हमारे इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता, लेकिन हमें कम घी में बनाने हैं तो इसलिए मैंने ये वाला प्रोसीजर करा है कि पहले इसको हमने पराठा बनाया है, सेका है, फिर यूज़ करा है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है बूरा, आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं। अब इसको बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें हरी इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा, और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैं इसमें डालती हूँ नारियल का पाउडर। आपके पास अगर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है तो आप वो डाल लीजिए, अगर सूखा वाला नारियल है तो वो आप इसका पाउडर बना के वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो आपके पास जो भी हो आप इसमें वही डाल के अच्छे से इसको मिला लीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और बस अब हम ऊपर से इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें घी डाल देंगे, और बस अब इनको हाथों की मदद से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को। अब थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेके देखेंगे कि इसमें हमारे ये लड्डू बन रहे हैं या नहीं। तो बस हाथों में थोड़ा सा लेंगे और प्रेस करेंगे, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये बाइंडिंग होने के लिए तैयार है। तो बस एक एक करके हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे लड्डू बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, और इसको बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में हमने बना के तैयार किया है। तो आप ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फिर आप इस बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने बढ़िया कितने मज़े के हमारे ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और घर के ही सामानों से हमारे ये बन के तैयार हुए। इसमें हमने ना मावा, ना चाशनी, ना मिल्क मेड हमने यूज़ करा है, और बढ़िया से दानेदार हमारे रवा लड्डू तैयार हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट, मुँह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगे। और ये छोटी सी जो घंटी है इसको प्रेस करना ना भूलिए, मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।